Hello students, in the last video, we have solved up to 15th numerical of the UGC NET Electronic Science previous year paper. Now, in this video, I will start from the 16th numerical, jisme aapko given hai, ASCII code has 128 characters, which are binary coded. Dekhiye, jo aapko given hai na, binary coded, iski ek bahut important meaning hai, jo aap aage jaake samjhenge abhi. आगे बोलता है आपको, if a computer generates 10 की पावर 6 characters per second में आपको दिया है, ध्यान रखिएगा, then the minimum bandwidth required to transmit this signal will be. देखिए, यहाँ पर एक बहुत important point है, suppose करिए आपको formula नहीं भी पता bandwidth का, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, आपको जो option दिए हैं, सब क्या दिए हैं, megabits per second, means 10 की पावर 6 bits per second में दिए हैं आपको. तो देखिए यहां पर इस 10 की पावर 6 पर सेकंड का कुछ ना कुछ मीनिंग होने वाला है जो आपको दिया हुआ है 10 की पावर 6 कैरेक्टर्स पर सेकंड. और यहां पर जो फर्स्ट लाइन है आपकी, यहां पर देखिए क्या दिया है, 128 कैरेक्टर्स व्हिच आर बाइनरी कोडेड, मतलब हम लोग बाइनरी का यूज कर रहे हैं इसे कोड करने के लिए. तो टोटल अगर 128 कैरेक्टर्स हैं तो हमें कितना बिट का बाइनरी चाहिए होगा? ऑब्वियस सी बात है ना, हमें 7 बिट्स का बाइनरी चाहिए होगा, क्योंकि 2 की पावर 7 कितना होता है हमारा 128. क्लियर है ना? जैसे सपोज करिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको. मान लीजिए ऐसा लिखा होता, ASCII कोड हैज 4 कैरेक्टर्स व्हिच आर बाइनरी कोडेड. तो 4 कैरेक्टर्स या समझ लीजिए 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन जनरेट करने के लिए हमें कितने बिट्स का बाइनरी चाहिए? 2 बिट, 00011011. 2 बिट से हम 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं, 3 बिट से हम 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं, वैसे ही 7 बिट से हम 128 डिफरेंट कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हैं. क्लियर है? अब देखिए, हमारे को बिट पता चल गई, तो जो आपका बैंडविड्थ का फार्मूला होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ बिट्स, दैट इज 7 * कैरेक्टर्स पर सेकंड, that is 10 की पावर 6. तो ये आपका आंसर आ गया 7 Mbps. क्लियर है अच्छे से? 7 megabits per second. हमने 10 की पावर 6 को क्या लिख दिया? M, mega. ठीक है? और bits per second आपका था ही. ठीक है ना? क्लियर है अच्छे से? तो ये हमारा ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर C. क्लियर? Now, next question आप देखिए. बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन है आपका ये, अगर आपको थ्योरी पता है इसकी तो आपसे बड़े आराम से बन जाएगा ये क्वेश्चन. व्हेन द करंट थ्रू SCR इज ग्रेटर देन द होल्डिंग करंट देन द वोल्टेज अक्रॉस SCR इज. तो यहां पर पहले हम समझ लेते हैं कि SCR होता क्या है. ये होता है आपका सिलिकॉन कंट्रोल्ड रिएक्टिफायर. ठीक है? इसमें आपके 3 टर्मिनल्स होते हैं, 4 लेयर्स होती हैं आपकी. ठीक है? और यहां पर आपसे पूछा क्या है, अब ये देख लेते हैं हम लोग. आपको बोल रहा है कि जब करंट SCR की जो है, करंट थ्रू SCR इज ग्रेटर देन द होल्डिंग करंट, देन जो आपका वोल्टेज अक्रॉस SCR होता है ना, वो होता है आपका 1.4 वोल्ट. एक फिक्स वैल्यू है 1.4 वोल्ट, ये आपको पता होनी चाहिए. ठीक है? तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट होगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्पर्सन शिफ्टेड वेवलेंथ इज, ये एक्चुअल में आप देखेंगे तो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन है. इसमें आपको पूछा है डिस्पर्सन शिफ्टेड वेवलेंथ क्या होगी. ठीक है? तो यहां पर हम ये पॉइंट समझ लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर के केस में 2 वेवलेंथ, ऑपरेटिंग वेवलेंथ पॉसिबल हो सकती है. एक आपकी 1310 नैनोमीटर की और एक 1550 नैनोमीटर की. जो आपकी 1550 नैनोमीटर है उसमें आपका डिस्पर्शन हाई होता है, और जो 1310 नैनोमीटर है डिस्पर्शन इज ऑलमोस्ट जीरो होता है. तो जो हमारा क्वेश्चन है डिस्पर्शन शिफ्टेड वेवलेंथ, दैट मींस ये होगी आपकी 1550 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है द मोस्ट सूटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वोल्टेज इज, DVM होगा कि एनालॉग वोल्टमीटर होगा कि CRO होगा कि DMM होगा. ठीक है? तो इसका आंसर तो वैसे आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए. इसका आंसर होता है हमारा CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. ठीक है? लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे देता हूं CRO के बारे में. तो CRO क्या होता है आपका?
कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप क्या होता है आपका, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. ओके, जब आप इसे डिफरेंट डिफरेंट इनपुट देते हैं तो वेव फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए ये यूज किया जाता है बेसिकली. ठीक है, तो ये होता है आपका सीआरओ और ये सबसे बेस्ट मेथड होगा आपके लिए वोल्टेज को मेजर करने के लिए. क्लियर है पॉइंट? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कंट्रोल सिस्टम. आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है QS, ठीक है, और आपसे पूछा है कि ये सिस्टम जो होगा वो स्टेबल होगा कि मार्जिनल स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा कि ऑक्सिलेटरी होगा. तो हम लोग इसे चेक कर सकते हैं, यहां से हमें पता है हम रूट हर्विट्स टेबल बना सकते हैं, RH टेबल, उसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम क्या होगा. तो मैं यहां पर आपके लिए एक रूट टेबल बनाने जा रहा हूं. हाईएस्ट पावर S की पावर 5 है, लोएस्ट पावर S की पावर 0 है. देखिए आप फर्स्ट रो में S की पावर 5 वाली रो में कौन कौन से टर्म आ जाएंगे, 2, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 4, ठीक है, 2 आ गया, 4 आ गया, अब क्या आएगा, 2 आ जाएगा. आपको पता होना चाहिए, एक एक टर्म छोड़ के आपको लिखना है, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म. नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए सेकेंड टर्म 1, देन 2, देन 1. क्लियर है अच्छे से? तो स्टार्टिंग ये 2 रोज हम इस तरीके से लिख सकते हैं. वैसे आपको ये कैलकुलेशन आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको कहा है कि गेट के क्वेश्चन, गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए. गेट की वीडियोस को कंबाइनली फॉलो करिए यूजीसी नेट की वीडियोस के साथ, उससे आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जो शायद किसी और से ना हो लेकिन आपसे हो जाए. ठीक है, तो यहां पर देखिए आप 1 × 4 − 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 − 4, ये हो जाएगा 0, और ये कितना होगा 1 × 2 − 2, फिर से 0. तो ये हमारी क्रिएट हो गई यहां पर रो ऑफ जीरोस. क्लियर है अच्छे से? और अगर आपको RS टेबल बनाना नहीं आता है तो आप कंट्रोल सिस्टम में मेरी वीडियो फॉलो कर सकते हैं रूट हर्विट्स की, जिसमें आपको कंप्लीटली RH के सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, सारी थ्योरी मिल जाएगी. ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर जब आपकी रो ऑफ जीरो क्रिएट हो गई है, तो रो ऑफ जीरो के लिए हमें पता है कि ये जो सिस्टम होता है इसमें हमें सबसे पहले इस RH टेबल में हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होगा. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, S की पावर 4. तो ध्यान रखिएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, रो ऑफ जेड के ऊपर वाली जो रो होती है वो आपको देती है ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो S की पावर 4 प्लस एक एक पावर छोड़ के लिखना है आपको, तो क्या होगा 2S² + 1. ठीक है, तो अब अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये आ जाएगा हमारा 4S³ + 4S, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. दैट मींस जब आप दोबारा से RS टेबल बनाएंगे तो आप 0 0 की जगह यहां पे लिखेंगे 4 4. क्लियर है, क्योंकि 2 आके आ गए 4 और 4. ठीक है, अब आप आगे कैलकुलेट करिए, 4 × 2 = 8 − 4 × 1 = 4, तो कितना हो गया आपका 8 − 4 = 4/4 = 1. नाउ नेक्स्ट 4 × 1 − 1 × 0 / 4 कितना हो जाएगा 1, एंड लास्ट टर्म इज 0. क्लियर है अच्छे से यहां तक? नाउ नेक्स्ट टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका भी अगला टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो आपका सिस्टम है वो आपका कैलकुलेट हो चुका है कि आपका सिस्टम यहां पर क्या होगा. देखिए रो ऑफ जीरो क्रिएट हो गई है, इसका मतलब यहां पर आपका सिस्टम स्टेबल तो नहीं होगा, लेकिन हमें फिर भी और कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि अनस्टेबल अभी भी चांसेस है होने की. मार्जिनल स्टेबल तो यहां से आपको दिख रहा है, ऑक्सिलेटरी का भी सिनारियो यहां से आपको नजर आ रहा होगा अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है RS टेबल की तो, लेकिन यहां पर अनस्टेबल की चांसेस भी हैं आपकी. तो अनस्टेबल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, अनस्टेबल के लिए आपको पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि क्या पहली कॉलम में कोई भी साइन चेंज है क्या. अगर कोई साइन चेंज नहीं होता है तब तो अनस्टेबल नहीं होगा. ठीक है ना, तो देखते हैं हम और सॉल्व करके, 4 × 1 − 4 × 1, फिर से ये 0 हो जाएगा S की पावर 1 में, और लास्ट की दो वैल्यू 0 ही हैं, तो अगला टर्म भी क्या होगा 0 एंड 0. तो आपकी एक और रो ऑफ 0 क्रिएट हो गई यहां पर. क्लियर है अच्छे से?
तो जो आपकी एक और रो ऑफ जीरो यहां पर क्रिएट हो गई है, उस कारण से आप क्या कह सकते हैं यहां पर कि आपको एक और ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होगा, जिसे मैं इस तरीके से लिख देता हूं यहां पर A2S करके, इसे मैं यहां पर A1S ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर जो आपका A2S है वो कितना हो जाएगा आपका, आप देखिए A2S आपका हो जाएगा S पावर 2 वाले रो को आपको देखना है, ये हो जाएगा आपका S स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर ले DA2S अपॉन DS, तो ये आ जाएगा आपका 2S। तो यहां पर जो रो ऑफ जीरो है उसकी जगह आप जीरो की जगह क्या लिखेंगे, 2, सिर्फ एक ही वैल्यू है तो बाकी दोनों जीरो जीरो ही रहेगी आपकी। नाउ लास्ट रो को आप सॉल्व कर लीजिए, तो 2 × 1 − 1 × 0 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज क्या है, जीरो है। तो आप देख सकते हैं कि आपका पहली कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए उस हिसाब से तो सिस्टम अनस्टेबल नहीं होगा, लेकिन आपका दो दो रो ऑफ जीरो क्रिएट हुई है, और अगर आप थ्योरी को ठीक से स्टडी करेंगे तो दो रो ऑफ जीरो क्रिएट होने पर सिस्टम आपका अनस्टेबल होता है। एक रो ऑफ जीरो अगर सिर्फ क्रिएट होती तो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होता, वो हमारा आंसर करेक्ट होता, साथ ही साथ आपका कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए था फर्स्ट कॉलम में। लेकिन यहां पर दो रो ऑफ जीरो क्रिएट हो गई है तो सिस्टम अनस्टेबल तो है ही, लेकिन साथ साथ में आप एक और पॉइंट समझिए, यहां पर जो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां दे रखे हैं उसे अगर आप सॉल्व करें, जैसे एस स्क्वायर प्लस 1, तो आपका एस स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां पर, देखिए अगर मैं A2S को सॉल्व करूं तो एस स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, तो एस क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस जे, मतलब आपको इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स माने ऑक्सीलेशन, साइन, साइन सिग्नल। वैसे अगर आप A1S को भी सॉल्व करके देखेंगे अगर, तो ये आपका जो हो रहा है, ये A1S जो बन रहा है सॉल्व करने पर एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है ये, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, तो आपका वही आंसर आ जाएगा। तो अगर इसे आप सॉल्व करें तो आपका अगेन एस स्क्वायर माइनस 1 दो बार हो जाएगा ये, तो एस की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस जे एंड प्लस माइनस जे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपके इमेजिनरी रूट्स आपको मिल रहे हैं, एक एक लोकेशन पे आपको दो दो मिल रहे हैं, तो ये हिसाब से ऑक्सीलेटरी भी होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स मतलब ऑक्सीलेशन आपका शो होता है। तो आपका ऑप्शन सी भी यहाँ करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन डी भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन आपके नेट के आंसर में ऑप्शन डी लिखा हुआ है करेक्ट, तो मैं यहाँ ऑप्शन डी लेके चल रहा हूं, लेकिन ऑप्शन सी भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सिस्टम आपका अनस्टेबल है, ये बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन में अब अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन का जो आपने कैलकुलेशन किया बहुत लेंदी हो गया, और अगर आप ये सोचते हैं कि नेट में तो कोई लेंदी क्वेश्चन आता नहीं है, उसलिए आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व ना करें, तो ये क्वेश्चन आपसे कभी सॉल्व हो नहीं पाता, और आपको पता है कि नेट में टाइम बहुत कम रहता है, तो इस लेंदी क्वेश्चन को आप बहुत स्पीड से तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप गेट के क्वेश्चंस 1 मार्क के लगाएंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और गेट की वीडियोस को कंबाइनली फॉलो करेंगे यूजीसी नेट की वीडियोस के साथ। ओके, नाउ नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है 21st to 30th तक, उसमें आपके आपको एक असर्शन दिया और एक रीजन दिया है, सिंपली बोलूं तो एक स्टेटमेंट दी है और उसका एक रीजन दिया हुआ है, ठीक है, ए एंड आर। तो आपका 4 ऑप्शन दिया है, अगर ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा ना तो इसका मीनिंग यह है कि बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन दोनों ही आपके करेक्ट हैं, और जो आपका रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट का। ऑप्शन बी में क्या है कि बोथ करेक्ट हैं बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट। ऑप्शन सी क्या है कि स्टेटमेंट सही है बट रीजन फॉल्स है। ऑप्शन डी क्या है कि स्टेटमेंट फॉल्स है बट जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है। तो हम लोग देखते हैं 1 by 1 सारे क्वेश्चन को। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो टनल डायोड से रिलेटेड है। टनल डायोड क्या होता है हम लोग का? टनल डायोड हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस डायोड के नाम से फेमस है, इसे हम इसाकी डायोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको पूछा है, स्टेटमेंट आपको दी है कि टनल डायोड प्रोवाइड्स ऑक्सीलेशन इन माइक्रोवेव रीजन। यस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई आपको मतलब कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ये इतना आसान स्टेटमेंट थी, माइक्रोवेव रीजन, यहीं पर आपका टनल डायोड ऑक्सीलेशन प्रोवाइड करता है, तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है।
रीजन दिया है द इक्विवेलेंट आरसी मॉडल ऑफ टनल डायोड गिव्स फ्रीक्वेंसी इन माइक्रोवेव रीजन. नहीं, ये आपका करेक्ट नहीं है. तो आपका इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बट आपका रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है. तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, आप पीछे जाके देख सकते हैं. तो आप बोलेंगे यहां पर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ नेटवर्क डिसाइड इट्स स्टेबिलिटी. ये आपका कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है. तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर मतलब जो पोल्स होते हैं आपके, वही स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं. द पोल्स ऑन द रियल एक्सिस डिटरमाइन द डैम्पिंग फैक्टर ऑफ द सिस्टम. ये भी बिल्कुल करेक्ट है आपका कि जो आपके पोल्स रियल एक्सिस पर होते हैं वो आपका डैम्पिंग फैक्टर आपको बताते हैं. ठीक है ना, तो रियल एक्सिस जो है वो भी स्टेबिलिटी पर अफेक्ट डालता ही है, रियल एक्सिस के जो आपके वैल्यूज हैं. तो आप कह सकते हैं कि यहां पर आपका असर्शन और दो रीजन जो है वो दोनों के दोनों आपके करेक्ट हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका असर्शन का. ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा यहां पर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. इसमें क्या कहता है आपको स्टेटमेंट में, द फास्ट चेंजिंग इनपुट्स डू नॉट डिपेंड अपॉन स्लू रेट प्रॉपर्टी ऑफ ओपैम्प. नहीं, ये गलत है आपकी स्टेटमेंट, क्योंकि फास्ट चेंजिंग इनपुट डिपेंड करते हैं स्लू रेट प्रॉपर्टी ऑफ ओपैम्प. एक्चुअली स्लू रेट आपको क्या बताता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट. ओके, तो जो आपका फास्ट चेंजिंग इनपुट्स हैं वो भी आपके डिपेंड करते हैं स्लू रेट प्रॉपर्टी ऑफ ओपैम्प पे. ठीक है ना. नाउ स्मिथ ट्रिगर डस नॉट वर्क ऑन द स्लू रेट प्रॉपर्टी ऑफ ओपैम्प. ये आपका करेक्ट है कि जो स्मिथ ट्रिगर है वो वर्क नहीं करता है स्लू रेट प्रॉपर्टी ऑफ ओपैम्प पे. ठीक है ना, स्मिथ ट्रिगर स्क्वायर वेव जनरेटर के नाम से जाना जाता है आपका. ठीक है, ये आपका वर्क नहीं करता है स्लू रेट प्रॉपर्टी ऑफ ओपैम्प में. ये बिल्कुल करेक्ट है आपका. तो जो आपका ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, कि जो आपका स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, बट जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपका असर्शन क्या दिया है, अ पैरेलल कंपैरेटर एडीसी रिक्वायर्स इनबिल्ट नंबर ऑफ कंपैरेटर इज इक्वल टू 2n-1. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है. हम जानते हैं पैरेलल कंपैरेटर एडीसी, या जिसे हम फ्लैश एडीसी के नाम से जानते हैं, जो सबसे फास्टेस्ट एडीसी होती है, उसमें हमें 2n-1 कंपैरेटर चाहिए होते हैं. ठीक है ना, जैसे अगर हम लोग थ्योरी में पढ़ते भी हैं, जब हम 3-bit एडीसी स्टडी करते हैं तो उसमें 2n-3-1 7 कंपैरेटर का यूज करते हैं हम लोग. ठीक है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल कंपैरेटर एडीसी क्या होती है. तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. नाउ नेक्स्ट क्या बोलता है, द स्पीड ऑफ द पैरेलल कंपैरेटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ द कंपैरेटर. मतलब यहां कहने का मतलब ये है कि जो स्पीड ऑफ द पैरेलल कंपैरेटर एडीसी है इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ द कंपैरेटर. यस, जो आपका पैरेलल कंपैरेटर की जो स्पीड होगी वो कंपैरेटर की स्पीड से ही लिमिटेड होगी या डिपेंड होगी, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. ठीक है ना, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ कंपैरेटर मेजर फैक्टर होगा आपका. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो असर्शन है वो भी करेक्ट है, जो रीज़न है वो भी करेक्ट है, और जो आपका रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका असर्शन का. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए आप 25th क्वेश्चन. माइक्रो कंट्रोलर्स आर प्रिफर्ड इन रियल टाइम एप्लीकेशन. आई थिंक ये सबसे आसान क्वेश्चन होगा अभी तक का, जो स्टेटमेंट है. एक्चुअल में हमें सबको पता है कि माइक्रो कंट्रोलर्स यूज किए जाते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन में, तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है. अब सेकेंड जो आपका रीजन दिया है वो क्या दिया है, द ऑन चिप इनपुट आउटपुट इंटीग्रेशन हैज नो बियरिंग ऑन द स्पीड ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर. नो, ये आपका रॉन्ग है. ठीक है ना, ये जो स्टेटमेंट है आपकी कि स्पीड ऑफ द कंपैरेटर द ऑन चिप इनपुट आउटपुट इंटीग्रेशन हैज नो बियरिंग ऑन स्पीड ऑफ द कंपैरेटर, ये आपकी बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि असर्शन आपका करेक्ट है बट रीजन आपका रॉन्ग है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है स्टेटमेंट आपको, इन फोटोन पॉइंटर्स आर प्रोवाइडेड. नो,
इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, फोटॉन्स में पॉइंटर्स प्रोवाइडेड नहीं होते हैं. बट रीजन जो दिया है वो देखिए, पॉइंटर्स हेल्प टू वर्क विद द एक्चुअल फिजिकल एड्रेस. यस, ये तो बिल्कुल करेक्ट है. आप पॉइंटर्स की स्टडी सी वगैरह में भी करते हैं तो आपको पॉइंटर्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए. पॉइंटर्स जो है हमें हेल्प करते हैं विद एक्चुअल फिजिकल एड्रेस में वर्क करने के लिए, ठीक है ना. तो पॉइंटर्स हेल्प्स टू वर्क विद एक्चुअल फिजिकल एड्रेस, बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट. तो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग है बट रीजन आपका करेक्ट है. क्लियर है अच्छे से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये आपका क्वेश्चन ईएमएफटी का है. डाइवर्जेंस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर बोथ स्टैटिक एंड टाइम वेरिंग फील्ड्स. यस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी, कि जो डाइवर्जेंस थ्योरम होता है हम जानते हैं क्या होता है. डाइवर्जेंस थ्योरम आपका ए डॉट डी एस, मतलब क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू डेल डॉट ए डी वी, डाइवर्जेंस ऑफ ए वॉल्यूम इंटीग्रल. तो ये आपका जो डाइवर्जेंस थ्योरम होता है इज एप्लीकेबल फॉर बोथ स्टैटिक एंड टाइम वेरिंग फील्ड, करेक्ट है ये आपका. रीजन है, इट इज यूज टू फाइंड आउट द इनक्लोज चार्ज फ्रॉम द नॉलेज ऑफ आइदर डी और ई. यस, ये भी बिल्कुल बहुत ही आसान स्टेटमेंट है. आपने अगर गॉस लॉ पढ़ा है डाइवर्जेंस फॉर्म में तो क्या होता है, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, ठीक है ना. रो वी क्या है आपकी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है. तो अगर हमको डी या ई का नॉलेज है तो वी कैन डिटरमाइन द चार्ज. तो ये बहुत ही आसान है आपका. तो यहां पर आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है. तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द बैक ईएमएफ ऑफ अ डीसी मोटर डिपेंड्स अपॉन सीरीज वाइंडिंग एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस. तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि बैक ईएमएफ आपका होता क्या है. तो होता क्या है ना, जब आप आर्मेचर ऑफ अ डीसी मोटर को रोटेट कराते हैं, ठीक है ना, जब आपका आर्मेचर ऑफ अ डीसी मोटर रोटेट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्राइविंग टॉर्क, ठीक है, तो द आर्मेचर कंडक्टर मूव थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड. तो क्या होता है, आपका जो ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड हो जाता है इन द जनरेटर, और इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होता है एक्स इन अ अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड वोल्टेज, जो कि हम जानते हैं, हम ईएमएफटी में पढ़ते हैं लेंस लॉ, ठीक है. और यही जो है आपका वो कहलाता है आपका बैक ईएमएफ. क्लियर है अच्छे से. तो ये होता है हमारा बैक ईएमएफ. रीजन क्या है इसका, व्हेन देयर इज नो लोड द बैक ईएमएफ इज मिनिमम. नो, अगर आप थ्योरी इसकी ठीक से पढ़े होंगे डीसी मोटर की तो आपको पता होगा कि When there is a no load, back EMF आपका minimum नहीं होता है, ठीक है ना. तो यहां पर जो आपका reason है वो आपका wrong है यहां पर, ठीक है. तो यहां पर आपका हो जाएगा option number C correct. A तो सही है, assertion सही है, but reason आपका क्या है, wrong है. R आपका wrong है. Now next question आप देखिए यहां पर, next question क्या है, by wavelength division multiplexing, जब आप WDM use करते हैं The capacity and optical fiber can be enhanced. तो क्या optical fiber की capacity enhanced होती है, ये आपका question है, ठीक है, statement है आपकी. तो yes, बिल्कुल सही है कि जब हम WDM use करते हैं, wavelength division multiplexing use करते हैं, तो आपकी capacity of an optical fiber enhanced होती है. Actual में WDM capacity को enhance करने के लिए ही use किया जाता है. सेकेंड दिया है, द सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट चैनल इन डब्ल्यू डी एम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50 नैनोमीटर. नहीं, ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है. ये जो ऑर्डर होता है ये अप्रॉक्स 20 नैनोमीटर के आसपास का होता है. तो यहां पर आपको कितना दिया हुआ है, 50 नैनोमीटर, ठीक है. तो ये आपका करेक्ट है कि वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए यूज करते हैं, बट जो सेपरेशन है बिटवीन टू एडजेसेंट चैनल, ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो ये जो 29 होगा उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा. क्लियर है अच्छे से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये भी आपका कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है. अभी अभी हमने रूट हर्विट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना न्यूमेरिकल, उसी का एक क्वेश्चन है. द साइन ऑफ ऑल द टर्म्स इन द फर्स्ट रो ऑफ रूट अरे आर चेक्ड फॉर स्टेबिलिटी कंसिडरेशन. बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, देखने में लगता है सही है, फर्स्ट
row of root orbits are checked for stability consideration. साइंस, ये सारे वर्ड जाने पहचाने लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि रो नहीं होता है आपका, क्या होता है आपका, कॉलम. तो द साइन ऑफ ऑल द टर्म्स इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ रूट अरे आर चेक्ड फॉर स्टेबिलिटी कंसिडरेशन. तो ये आपकी बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना. तो ये आपका रॉन्ग हो गया. अब इसे आप देखिए, द नंबर ऑफ साइन चेंजेस इक्वल टू द नंबर ऑफ रूट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन. ये आपकी सही है, यहां पर कॉलम या रो कोई मेंशन नहीं है ना, और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रूट्स ऑन द आरएचएस. ये बिल्कुल करेक्ट है आपकी. तो ये जो आपका रीजन है वो तो करेक्ट है, बट असर्शन स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यहां पर, वो करेक्ट हो जाएगा. क्लियर है अच्छे से. तो आज की वीडियो में मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे. अगर इस वीडियो में या इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं. इसके अलावा जैसे मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए साथ साथ में, अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, अदर स्टूडेंट से आपको एडवांटेज मिलेगा. ओके, थैंक यू.